फैमिली मेंबर मुझे समझ नहीं आती है, वो बंदा तो आरएसएस मेंटेलिटी का है, तो आरएसएस का तो मेन काम ही है कि मुसलमानों को मारो, जो उनने वो उधर ऑरेंज फ्लैग वाले कौन से हिंदुत्व था जो शुरू किए हुए हैं, तो उसको तो वो खत्म करता नहीं, तो अकेडमी चलाने का फायदा कोई नहीं है। ये दिखावा है, दिखावा है, क्योंकि इंडिया एज ए स्टेट सेकुलर है, लेकिन मोदी इज फार फ्रॉम सेकुलर, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आप? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े सीधे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और भाई आज टॉपिक है ना वो देखे पाकिस्तानी की जो जियान है ना वो एकदम बिल्कुल जल गई है। नहीं, नहीं मानता। सो गाइस, रिसेंटली इंडिया में एक इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला गया, और भाई उसे पीएम मोदी गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, और भाई उधर के जो मुस्लिम थे, मोदी जी जाकर वहां पर ये बोला कि भाई इधर के जो मुस्लिम थे ना, मतलब जो भी इंडिया में सारे जो मुस्लिम थे वो मुझे अपना पीएम मत समझे, मुझे एक अपना फैमिली के मेंबर के रूप में समझे। और भाई ये एक बहुत ही बड़ा बयान है, क्योंकि भाई इस बात से पता चलती है कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है और भाई जो इंडिया है वो माइनॉरिटी को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, और भाई उसे कितना ज़्यादा अपना मानती है। वैसे तो भाई हम मानते हैं, लेकिन भाई बाहर के जो कुछ देशों के लिए मतलब एक डाउटपूर्ण ये है कि भाई इंडिया के हिंदुत्ववादी देश है और भाई वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलता। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिर जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। और भाहिए आप सबको तो पता होगा इस पर पाकिस्तानी को कैसे जाहिर वाले रिएक्शन आने वाले हैं। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो लाने के लिए, और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, और भाई ऐसे जहल वाले कंटेंट लेते आने के लिए। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और भाई जल्दी से जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। एक ये एक जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो किसी रिपब्लिक का जो सरबरा है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज, स्पेशली जब मुसलमानों की बात होती है तो हम कहते हैं कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर हम वहाँ की मुस्लिम जमातों की बात करें, बड़े बड़े मौलानाओं की बात करें, तो सर उनके ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, इंडिया में रहना वो पसंद करती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से मे बी दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट, लेकिन अगर आप बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। क्यों कमेंट नहीं करूँगा कि अगर मेरे अपने मुल्क में अगर ये सारी माइनॉरिटीज, जैसे कि अगर मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियंस, हिंदूज और ये सब अगर मेरे मुल्क में वेल प्रोटेक्टेड हैं इनके राइट्स, तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मोदी कश्मीर में क्या कर रहा है या वहाँ पे क्या कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मेरे ख्याल से ये कमेंट करना मेरे लिए नामुनासिब है, जब तक कि मेरा अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो। वाह भाई वाह, इनके लिए एक ताली तो बनती है भाई, एक ताली तो बनती है, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट बंदे हैं ये, और भाई बहुत ही रेयर केसेस में इन जैसे ऑनेस्ट बंदे मिलते हैं, और भाई वो भी फिर पाकिस्तान में। नहीं तो भाई 90% जो पाकिस्तानी है वो ये बिल्कुल भी नहीं मानते कि भाई उनके जो देश में मुस्लिमों को छोड़कर जो बाकी सारे रिलीजन्स हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी हक नहीं है, वो ये बिल्कुल भी नहीं मानते। ज़्यादा तो छोड़ो, बाकी सारे जो रिलीजन्स हैं ना, उन्हें इतना भी थोड़ा सा हक नहीं है पाकिस्तान में, और भाई इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। सही बात है सर। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम 1947 की बात करें तो स्पेशली हिंदुओं की तादाद थी यहाँ पर, ठीक है, मगर लेकिन अगर अब का हम जायजा लें तो माइनॉरिटीज जो है वो तकरीबन 1% यहाँ पर रह गई हैं। इसकी आपको क्या वजूहत लगती है कि यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, रिसोर्सेज नहीं है, क्या वजह लगती है? और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाता है हर किसी को। देखिए, ये कहने की बात है एक बात, दूसरा ये है हमारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटरवूवन है। ये जो हमारी एक सिंपल नोशन है, हम सब बराबर हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये सारे स्लोगन्स एंड ऑप्टिक्स हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा जो 1947 की बात नहीं है, 1857 और उससे पहले सो कॉल्ड 800 ईयर्स का जो रूल है, उसके बाद जिस तरीके से ऑल इंडिया और ये सब कुछ मामला गड़बड़ हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पे कमेंट भी करेंगे तो इतना सिंपल कमेंट नहीं होगा कि मतलब बेसिकली वजह क्या है। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्यों माइनॉरिटीज कम होती जा रही है, मैं तो ये कहूंगा कि माइनॉरिटीज आप छोड़ें, पाकिस्तानी क्यों कम होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी तो निकल रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अब भाई से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 35-40 लाख रुपए नहीं है, वरना मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं कनाडा चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। सो
ये मसले हैं, मेजोरिटी भी सेफ नहीं है, आप माइनॉरिटी पे बात कर रहे हैं, तो मतलब दिस साउंड्स रिडिकुलस बट दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। भाई साहब, आप शायद निम्रा दीदी की जो क्वेश्चन था उसे समझ नहीं पाए ठीक से। आपकी मेजोरिटी इसलिए पाकिस्तान से कम हो रही है क्योंकि भाई वो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में कोई रोजगार प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लेकिन भाई जो माइनॉरिटी की बात है उसकी बात अलग है भाई। फोर्स कन्वर्जेशन और भाई फोर्स मैरिज, ये दोनों ही मेन इश्यूज है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम होने के लिए। सही बात है। और भाई उन पर अत्याचार अलग से हो रहा है। तो भाई पाकिस्तान में तुम्हारी जो मेजोरिटी कम हो रही है वो पैसों कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं और भाई वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन भाई माइनॉरिटी की जो केस है वो अलग है। वो तुम्हारे उधर जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स है ना, उनके लिए माइनॉरिटी कम हो रही है, जो कि एक्सट्रीमिज्म बहुत ही ज्यादा करते हैं पाकिस्तान में। समझे? अब समझ गया। मेजोरिटी भी आपने बोला सेफ नहीं है, तो ये आप बात सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से कर रहे हैं या फिर फैसिलिटीज के हवाले से कर रहे हैं? फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात आ गई, बेसिक राइट्स जो आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लिविंग इन कराची, तो मैं जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं नहीं कर सकते। अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान में इस तरीके से, अभी आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं फोन रख के, नहीं आप खाना खा सकते, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मैं जॉब पे हूँ, मेरी फैमिली घर पे है, तो उनको ये प्रॉब्लम है। तो सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे दीगर इश्यूज हैं। तो सोसाइटी के माइंडसेट की बात करें आप यहाँ पे, सोसाइटी माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी, जो भी आप जिसे बोल सकते हैं, पूरा एक निजाम जो है वो सारे का सारा इसी तरीके से है। What do you think? भाई मैं आपका बात समझ सकता हूँ कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन भाई ठीक से बोलना नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान में अभी भी जो 90% जो पीपल है उनका सोच एक्सट्रीमिज्म वाली है कि भाई औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, औरत किसी मेल के साथ बात नहीं कर सकती, औरत पढ़ नहीं सकती, औरत जॉब नहीं कर सकती। समझ सकता हूँ, मतलब उनका माइंडसेट अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, उनका माइंडसेट अभी भी 90s-80s का है। अब भाई आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं आया जो कि भाई एजुकेशन पर फोकस करे कि भाई पाकिस्तान जो आवाम है, मतलब जो आगे यूथ सारे, अभी तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन भाई अभी भी पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ कश्मीर करके चला जाता है, कोई भी एजुकेशन पर फोकस नहीं करता। इसलिए भाई आज तक पाकिस्तानी आवाम एक्सट्रीमिज्म भी है और भाई जाहिल भी है। तो भाई मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूँ। फैमिली मेंबर मुझे समझ नहीं आती, वो बंदा तो आरएसएस मेंटालिटी का, तो आरएसएस का तो मेन काम ही है कि मुसलमानों को मारो, जो उन्हें वो उधर ऑरेंज फ्लैग वाले कौन से हिंदुत्व था जो शुरू किए हुए हैं, तो उसको तो वो खत्म करता नहीं, तो एकेडमी चलाने का फायदा कोई नहीं है। सर भाई आपने अभी तक आरएसएस का मतलब नहीं समझा। भाई आरएसएस का मतलब ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब राष्ट्र की सेवा करना। सही बात है। अगर भाई जो आरएसएस है वो मुस्लिमों के खिलाफ होती या फिर मुस्लिमों को मारने के लिए बनी होती ना, तो फिर आज इंडिया में इतने ज्यादा मुस्लिम्स नहीं होते। भाई तुम्हारे कंट्री से भी ज्यादा मुस्लिम्स इधर इंडिया में है और भाई वो खुश है, आबाद है और भाई आजादी से रह रहे हैं। और भाई अगर पीएम मोदी आरएसएस से हैं तो फिर इनडायरेक्टली मुस्लिम्स जो है वो आरएसएस से प्यार करते हैं, क्योंकि भाई जो इंडियन मुस्लिम्स है वो भाई मोदी जी के तरक्की से और भाई मोदी जी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और भाई उनसे बहुत ही ज्यादा खुश है, तो फिर भाई वो इनडायरेक्टली आरएसएस से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हैंड्स प्रूफ हो गया ना। आपको हर बंदे का रिलीजन जो है वो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो जो भी है उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब वो जो जिस रिलीजन में है उस रिलीजन को ही वो मानेंगे ना, उस रिलीजन को ही वो प्रमोट करेंगे ना, बट वहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनको अगर फैसिलिटीज दी जा रही है, ये दिखावा है क्योंकि इंडिया एज अ स्टेट सेक्युलर है, लेकिन मोदी इज फार फ्रॉम सेक्युलर, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे? सिख तंग है, मुसलमान तंग है, सेक्युलर स्टेट में होता है ऐसा? सर यहाँ पर भी फिर इस तरह की तहरीकें हैं ना, यहाँ पर भी आजाद कश्मीर हमसे अलग होना चाह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान अलग होना चाह रहा है, बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है। तहरीकें हैं लेकिन वाजिया कत्ल नहीं है जो वहाँ पे हो रहे हैं। मतलब एवरीडे सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि आज कोई लड़की मारी गई, कोई लड़का मारा गया, मुसलमान था क्लास से निकाल दिया गया, यहाँ ऐसी हरकतें तो नहीं होती ना। दिखावा सिर्फ आप लोगों को लग रहा है और किसी को भी नहीं। भाई अगर इधर
हर दिन जो माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होता है या फिर उन पर उनको मारा जाता है, तो फिर ये तो इंटरनेशनल मीडिया पे कवर होता ना कि भाई हर दिन इंडिया पे इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कहीं वहाँ तो कोई रिपोर्ट नहीं है? अभी का डाटा बता रहा हूँ मैं। और भाई आप जितने भी वीडियो या फिर जो भी कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनमें से 60% जो है वो फेक है, और भाई जो 40% जो है उनका बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। और हाँ, इधर किसी भी रिलीजन को कोई भी तंग नहीं कर रहा, इधर सब रिलीजन एकदम शांति से और भाई सुकून से है। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर एक बार इंडिया में आ जाओ, आकर इधर देख लो क्या हो रहा है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ भी देख के जाहिल मत बनो, ठीक है? ठीक है। अब आए ना लाइन पे। अगर इस तरह की वहाँ पर इतने ज्यादा केसेस है, फिर वहाँ पर इतने ज्यादा मुसलमान रह क्यों रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म मैं मानती हूँ हर जगह है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर भी है। हम लोग जब पाकिस्तान की बात आती है तब हम एक्शन क्यों नहीं लेते, तब उसके लिए आवाज हम क्यों नहीं उठाते, बताए? आवाज नहीं उठा सकते हमारे जब तक कुछ बैठे हुए हैं ना ऊपर, बड़े बहुत लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज ना इस्तेमाल करना बेहतर है। तो फिर इधर भी हो रहा है ना, हर जगह, लेकिन वो जब मुंह पे कह रहे हो सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर स्टेट बनते दिखाओ ना, दिखावे तो ना करो। क्या आपको वहाँ पर तालीमी इदारों में मुसलमान नजर नहीं आते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि उनके घरों की बिजलियाँ बंद की हुई? आपको क्या लगता है वो सड़कों पर रह रहे हैं? जो लेवल ऑफ फेवरेटिज्म दूसरों को उधर मिलने लग गया ना, दूसरे हिंदू रिलीजन को, क्योंकि उसका मेन आइडियोलॉजी हिंदुइज्म फर्स्ट है। भाई तू पाकिस्तान में रहकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? इधर हिंदू को जितने भी राइट्स है ना, उससे डबल राइट्स मुस्लिमों को है। कभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना, उसे भी थोड़ा पढ़ लो, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि भाई कि मुसलमानों को कितना ज्यादा राइट्स है यहाँ पर। भाई उन्हें डबल राशन मिलता है हर महीना, डबल राशन मिलता है उन्हें, और भाई स्पेशल कोटा भी मिलता है उन्हें, और भाई स्पेशल राइट्स है उन्हें पुलिस स्टेशन में, जो कि भाई हिंदुओं को नहीं है उतना। तो भाई ऐसी प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, पहले चेक करो और फिर बताओ। सही बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सब बस बेटा। क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, ठीक है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उनके रियलिटी शोज में भी आते हैं, उनके तालीमी इदारों में भी है, नाम भी है, इवन सेक्युलर कंट्री है, मनमोहन सिंह वहाँ के वो भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है अगर हम माइनॉरिटीज का कंपैरिजन करें तो माइनॉरिटीज वहाँ पर ज्यादा खुशहाल में नजर नहीं आती है? जब भी कोई इंटरनेशनल फोरम पर कोई बात होती है तो वहाँ की जो माइनॉरिटीज होती है वो बढ़ चढ़ कर बताती है कि इन्होंने हमारे लिए ये सब किया। मुझे सिख माइनॉरिटी वहाँ पर, पंजाब सारा सिखों का ही है। हाँ, पंजाब से खुश है इस वक्त। तो सर आपको क्या लगता है पूरा पंजाब में नहीं ये तहरीक चल रही है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर चल रही है? काफी हिस्सों में चल रही है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन कर ले, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कर ले, मेरे मुताबिक तो सिख बिल्कुल खुश नहीं वहाँ पे। भाई तुम्हारे मुताबिक है, इसलिए ये जो पूरा बात है ना, ये गलत है या फिर झूठ है? क्योंकि भाई पंजाब में जो भी खालिस्तान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर अभी भी कुछ कुछ कर रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान से फंडिंग किए गए थे या फिर अभी भी कुछ कुछ कर रहे हैं? नहीं भाई, अभी पाकिस्तान नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि भाई अभी तो पाकिस्तान भिखारी बन गया है। नहीं तो भाई अगर आप देखें, जो भी भाई इंडिया में रहता है ना, उसका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही धड़कता है, और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि भाई इंडिया जैसा कोई मुल्क नहीं है। बोलो जय हिंद। आप मुझे एक बात है, पूरे इंडिया की बात करें, आप माइनॉरिटीज वर्सेस हिंदुइज्म की बात कर रही हैं अभी। सर मेरी बात सुनिए, आपने माइनॉरिटीज वर्सेस हिंदुइज्म की जब बात की है तो मुझे एक बात बताएगा, शुरू दिन से लेकर जो हमारा एक यूनाइटेड नेशंस में भी एक जो हमारा स्टांस रहा है वो कश्मीर को लेकर रहा है कि मुसलमान जो है वो वहां पर खुश नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान ही वहां के उठकर कहते हैं कि हम यहां पर खुश है, पाकिस्तान क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ता है? बताएं, आपने क्या पर्सनली जाकर इंडिया को विजिट किया है? नहीं। हाउ कैन यू से, आप सोशल मीडिया पर देखकर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही कैसे हाईलाइट कर सकते हो? फिर बताएं। बता दो। आई हैव 5 क्लास वाला, बचपन के क्लास वाला जो इंडियन है। आपकी? हाँ जी। इधर पाकिस्तान में? इंडिया में, मैं कुवैत में होता था, मेरा पास वाले से चुके हैं, अब अभी तक कांटेक्ट में। तो क्या कहते हैं? कहते हैं माइनॉरिटीज बहुत तंग है यहाँ पे। माइनॉरिटीज बहुत तंग है यहाँ पे। मेरे दोस्त संदीप आचार्य, इंडियन नाम है ना? अच्छा। सिख है। और? क्या नाम है सबके? भाई हंसा मत सुनो, मैं आपको पूरी क्लैरिटी देता हूँ। हो सकता है कि भाई जिस भी इंडियन ने आपको ये बात बताई है उसके इलाके में ऐसा होता हो, क्योंकि भाई इंडिया में अभी भी कुछ एरियाज में भाई ऐसी है, मतलब रिलीजन इशू है, और भाई वो भी रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं, क्योंकि भाई जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत हेट इशू, रिलीजन इशू, ये वाला इशू है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई खून खराबा या फिर मारपीट, ऐसा कोई नहीं है, बस थोड़ा सा रिलीजन और हेट का इशू है। तो भाई आप इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मत कीजिए,
भाई ये बहुत ही छोटी बात है। और भाई अभी तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, मतलब रूरल एरिया से उर्बन एरियाज को जा रहे हैं इंडिया, तो फिर ये जो रिलीजन इशू है ना ये फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और भाई मेरा आपको एक सलाह है कि भाई आप एक बार जरूर से इंडिया विजिट कीजिए, फिर जाके आपको पता चलेगा कि भाई इधर माइनॉरिटी कितना ज़्यादा सेफ और भाई खुश से, एकदम खुश से एक बार विजिट कीजिए इंडिया। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताया वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट तो जरूर से कर देना कि भाई आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है कि भाई मोदी जी का इतना मतलब महान बयान, मतलब मोदी जी ने तो ये बताया है लेकिन भाई सबको पता है कि भाई मोदी जी हर किसी रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो एक पीएम है, आप बताओ वो कैसे पक्षपात कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान वाले सारे बकलंड है, इन्हें कुछ भी बता दो ये भरोसा नहीं करेंगे कि भाई इन्हें चाहिए प्रोपेगेंडा वाली बात। तो भाई आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। भाई तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यूज से और एक इंटरेस्टिंग से, और भाई ऐसे ही जाहिल वाले कॉन्टेंट लेते आते रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम। फर्स्ट टाइम इधर से निकल गया, वंदे मातरम।